ओके वेलकम बैक टू द सेकंड हाफ ऑफ आवर लेक्चर लेक्चर लेक् टाइटल बीइंग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स प्रपोज्ड बाय रोथमेलर एंड प्रोस्कोर इन द ईयर 1951 uh, 57 तो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में क्लास हेपेटिक ऑप्सिडा के कैरेक्टर्स uh, डिस्कस कर लिया कैरेक्टर्स डिस्कस किया इनका टेक्सोनोमिकल क्राइटेरिया डिस्कस किया अब इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन uh, शुरू करते हैं बच्चों ठीक है इंटेंशनली मैंने ये ब्लैंक पेज रखा है ठीक है थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए बच्चों ठीक है अच्छे से कॉन्फिडेंस आए ठीक है तो मेरा ये पर्पज था इसको ब्लैंक रखने का हम इस ब्लैंक पेज पे एक बार क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं फॉर फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास कौन सा है बच्चों क्लास वन इज क्लास हैपैटी कॉपसिडा हालांकि आगे के स्लाइड्स में मैंने डिटेल में लिख के रखा है ठीक है वो मैं रीड करता जाऊंगा ठीक हैपैटी कॉप एंड रॉथमेलर एंड प्रोस्कॉर डिवाइडेड क्लास हैपैटी कॉपसीडा इनटू फोर ऑर्डर्स अब आपने ये नहीं बोलना है बच्चों की सर हमारी किताब में छे दिया हुआ है है ना एक कार्टेल्स करके है एक टका है वो ओरिजिनल नहीं है ये बाद के एडिशन है बच्चों ठीक है जो एंड प्रोस्कॉर ने दिया था उन्होंने ये दो ऑर्डर एड नहीं किए थे ठीक है तो हम लोग फोर ऑर्डर को लेके चलेंगे ऑर्डर्स फोर ऑर्डर्स and what are those orders number one order sphero cartels sphero cartels then second order ऑर्डर मार्केंशियल्स, मार्केंशियल्स, देन थर्ड ऑर्डर ये थोड़ा लंबा कर देता हूं जंगर मैन्युएल्स जंगर मैन्युएल्स एंड देन फोर्थ ऑर्डर कैलो ब्राइल्स आउट ऑफ दिस उट ऑफ दीज फोर ऑर्डर जंगर मेन लार्जेस्ट ग्रुप मार्केशियो एंडल्स इनफैक्ट दीज टू आर मोनोटिपिक समझना जरूरी है बच्चो है ना समझना जरूरी है ना नए नए टर्म से आपका वास्तव पड़ेगा These two are monotypic orders. monotypic orders, orders. शब्द जो है अलग अलग टेक्सोन में यूज होता है अलग अलग टेक्सोनोमिकल रैंक्स में शामिल हो सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं क्लास लेवल पर भी है ना हम बोलेंगे कि दिस क्लास इज मोनोटिपिक इसका मतलब हुआ कि उस क्लास के अंडर सिर्फ एक ऑर्डर है जो नेक्स्ट जो टेक्सोन है लोअर रैंक का क्लास के बाद क्या आता है ऑर्डर इसका मतलब है कि उस क्लास के पास एक ही ऑर्डर है ठीक है और ऑर्डर को हम बोलेंगे मोनोटिपिक दिस इज मोनोटिपिक ऑर्डर जैसे कि स्पीरोपेल्स और केलोब्राइल्स है इसका यह मतलब होता है कि यह दोनों ऑर्डर्स का जो नीचे का टेक्सोनोमिक रैंक है ऑर्डर के बाद क्या आता है फैमिली दैट मीनस दीज ऑर्डर दे हैव ओनली वन फैमिली इच ठीक है तो वो फैमिली कौन कौन से है स्पीरो हैज वन फैमिली कार्ल स्पीरोपेसी स्पीरो कार्पेसी एंड केलोब्रायल्स ऑर्डर केलोब्रायल्स हैज वन फैमिली कार्ड केलोब्राइसी ये सारे इतना लंबा जो काम चला है बच्चों लेक्चर में ये समझाने के उद्देश्य से है आप लोगों को मैंने नोटबुक में उतारना है, है। क्यों क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम देना है ठीक है ये बाकी जो डिटेल्स बताता हूं मैं समझ समझाने के लिए बताता हूं बच्चों क्योंकि एक बार समझ आ जाए चीजें ठीक है उसके बाद फिर मजे ही मजे तो उसी तरह से families भी कुछ हो सकते हैं और मोनोटिफिक फेमिलीज का मतलब क्या हुआ ऐसे फैमिलीज जिनके अंडर सिर्फ एक जीनस है कोई ठीक है हालांकि वो थोड़ा कम आकर होगा फेमिलीज के अंदर एक जीनस वाला केस बहुत कम रहेगा मेरे ख्याल में ठीक है और इवन जीनस भी मोनोटिपिक होता है ऐसा ये काफी कॉमन अकरेंस है कि मतलब एक जीनस के अंडर जो है सिर्फ एक स्पीशीज स्पीशीज है है कोई कोई एक ठीक तो ये मोनोटिपिक टेक्सोन्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों ठीक है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो ये स्पीरो हो गया हमारा और केलोब्राइल हो गया अब एक एक करके हम मार्केशियल को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम जंगल मेन्य को डिस्कस करेंगे इन दो ऑर्डर को ठीक है तो जो ऑर्डर मार्केशियल्स है ऑर्डर ये मैं एब्रीबेशन में लिखूंगा ठीक है ऑर्डर मार्केशियल हैजिन डिवाइडेड इन टू फाइव फैमिलीज दैट मीन्स मार्केशियल्स इज नॉट मोनोटिपिक ऑर्डर ठीक है इसको असल में ऑलिगोटिपिक बोलते हैं बच्चों जिसके अंडर थोड़े से रहते हैं वो नंबर कोई फिक्स नहीं है थोड़े से रहते हैं उनको ऑलिगोटिपिक टेक्सोन बोलते हैं ठीक है और मान लो मार्केट के अंदर बहुत सारे फैमिली होते हैं जैसे है ना बीस तीस चालीस पचास तब हम इसको बोल सकते थे आप ऑर्डर ठीक है ये हमारा कंसर्न नहीं है <coughs> तो फाइव फैमिलीज हैं कौन कौन से फैमिलीज हैं एक फैमिली है आपका फैमिली रिक्सिएसी रिक्सियसी, फिर एक है हमारे पास फैमिली मार्केशिय मार्केशिय फिर आगे आप क्या करोगे बच्चों है ना थ्री अदर्स एंड थ्री अदर्स बहुत सारा का नाम याद रखना आप लोगों के लिए लगभग इंपॉसिबल हो जाएगा बच्चों अदरवाइज ठीक है तो असल

ऑर्डर केलोब्रायल्स बताया था उसका एक फैमिली है केलोब्रायसी और एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है जीनस है केलोब्रायम ठीक है तो रिक्सियसी का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रहेगा रिक्सिया हालांकि हमको बोला है क्लासिफिकेशन आपने फैमिली के लेवल तक करना है तो जीनस का नाम चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो ठीक है कोई बात नहीं है इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आएगा वो आएगा रिक्सिया और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आएगा वो आएगा मार्केशिया मैं लिखूंगा पूरा ठीक है मार्केशिया तो हो गया ऑर्डर हैज बीन डिवाइडेड इनटू फाइव फैमिलीज एंड दीज आर फैमिली एंड थ्री अदर्स एंड नेक्स्ट वन इज अवर थर्ड ऑर्डर ऑर्डर मेनियल्स जंगर मेन्यूल है सब ऑर्डर यह बहुत जगह पर नहीं है थर्ड क्लास ड्राइवसीडा में कहीं नजर आएगा ठीक है जो सब टेक्सोन है ठीक है तो इंटू जंगर मेनुअल हैजिन डिवाइडेड इंटू टू सब ऑर्डर एंड फर्स्ट वन इज सब ऑर्डर हालांकि नहीं जाता हूं बच्चों मेरा रहता है अपने बच्चों को समझाना ठीक है बच्चों को समझाना बच्चों को अच्छे से पता लगे ठीक है वो पर्पज रहता है तो मैं स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंस करूंगा मैट्स गेरिनी एम ई टी जेड गेरिनी जी ई आर आई एन ई ए मेट्स गेरिनी एंड सेकेंड सब ऑर्डर इज सब ऑर्डर जंगर मैनिनी मैं मुझे मालूम है नए शब्द हैं लंबे लंबे हैं ठीक है, है? <laughs> पर हमको याद करना पड़ेगा बच्चों जंगर मैनिनी एम ए नीचे लिख लेता हूं डबल एन आई n-e-a-e. -E. so this is the largest uh, group uh, in the form of order under the class of uh, hepatic hepati coopsida, the first class of uh, division bryophyta as proposed by rothmiller and proskor. so this uh, suborder Metzgerini has further been divided into uh, इन फैमिलीज एंड दिस सब ऑर्डर जंगर मैननी हेज फर्दर बी डिवाइडेड इन टू सेवनटीन फैमिलीज ठीक है तो खास कम से कम जंगर मैननी सब ऑर्डर जंगर मैननी कॉम बोल सकते हैं दिस इज पॉलीटिपिक इट एज ह्यूज नंबर ऑफ फैमिलीज ठीक है अरे फिर आप बोलोगे ओ गुरुजी आज तो हम मारे गए आप कितने नाम याद रखेंगे ठीक है बच्चों तो कोई बात नहीं हम करेंगे शॉर्टकट बच्चों शॉर्टकट ठीक है इट हैज नाइन फैमिलीज एंड व्हाट आर दोज वन फैमिली इज एसी जिसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है एक थैलोइड फॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को याद करो मेरे प्यारे बच्चों पीलिया ठीक है हा हा अब तो आठ और बचे हैं तो क्या कर लेंगे एंड एट अदर्स कोई बात नहीं एंड एट अदर्स ठीक है हो गया बच्चों आप इस तरफ से सेवेंटीन है यहां पर तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे दिस हैज सेवनटीन फेमिलीज सबोर्डर हैज सेवनटीन फैमिलीज विच आर नंबर वन फैमिली पोरे जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है मैंने बताया था फाइलोइड फॉर्म अप्रोस्ट्रेटली ग्रोइंग फाइलोइड फॉर्म क्योंकि हेपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर्स में सिर्फ Forms होंगे, erect forms नहीं होंगे और जीनस बताया था याद करो बच्चों, इस जीनस का का बॉडी में जो लोअर हाफ है वो मल्टीलेयर्ड होता है और जो एंथरिडियम होता है वो एक्लरी इन पोजिशन होता है याद करो बच्चों। यस इट इज अरेला रिप्रेजेंटेटिव में फैमिली पोरे तो हम क्या करेंगे बच्चों एंड सिक्सटीन अदर्स छोड़ो है ना सिक्सटीन अदर्स तो हो गया बच्चों क्योंकि अगर सिक्सटीन अदर्स नहीं करेंगे तो हमको मुकना पड़ेगा बच्चों है ना <laughs> मुझे भी याद नहीं है बच्चों है ना माय सिंसियर कन्फेशन आई डोंट रिमेंबर आई डोंट रिमेंबर ऑल फैमिलीज ठीक है सो क्लास हेपेटिक का कैरेक्टर्स भी हो गया क्लास तो हेपेटिक ऑप्शीडा के क्लासिफिकेशन भी हो गया कितने बच्चों क्लासिकोर ऑर्डर ठीक है एंड अभी से ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है अब मूव करते हैं क्लास की तरफ. अच्छा, ये इसके करेक्टर अब मैं पढ़ लेता हूं एक एक करके हैज बिन डिवाइडेड इनटू फोर ऑर्डर्स स्पीरोपेल मार्केशियल जंगर मेन एंड केलोब्राइल थोड़ा टाइम लगा के मूव uh, करता हूं क्योंकि आप लोगों ने लिखना भी है family, member, आप लोगों ने क्या करना है स्पीरो पी के बाद पी के बाद ओ एस लगाना है दैट बिकम्स Genus. Spirocarpos is the genus. Then we move to next. Marcantials has been divided into five families. Number one is a rixiaceae. Second is Marcentiacea and three others. Similarly, Jungermanials has been divided into two subtaxon, two suborders. What are those suborders? number one suborder metzgerini which has further been divided into nine families and second suborder is suborder jangarmanini which has further been divided into 17 families metzgerini has been divided into nine families for example Piliasi and eight others whereas suborder jangarmanini has been divided into 17 families. For example, Porelaceae and 16 others. Then last bacha paas, Kelo Order Kelobryales has only one family. That is Kelobryaceae. And its representative member is Kelobryum. I will write it. bryum B-R-Y-U-M this is the representative member of a class, uh, sorry, family, Bryace, uh, which forms the fourth order of class Hepatitopsida. Now we move to class Anthocerotopsida. This is comparatively a small group. Small group. This is in fact a monotypic class. This is monotypic class. क्लास वाई बिकॉज इट हैज ओनली वन ऑर्डर वन ऑर्डर कार्ड एंथो सीरोज फर्दर बीन डिवाइडेड इंटू टू फैमिली विच विल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स कर लेते हैं बच्चों अब करेक्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ठीक है मैं रीड करता रहूंगा ठीक है फिर आगे बढ़ता जाऊंगा मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड हॉर्न व्हाई बिकॉज द कैप्सूल और द स्पोरोगोनियम इन द मेंबर्स ऑफ इज अ स्ट्रेट हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर द गेमेटोफिटिक दिटिकस इज ऑलवेज अ वेंट्रली सिमेट्रिकल थैलोइड फॉर्म और हेपेटिक फॉर्म फॉर एग्जांपल एंथोसिरोस dendroseros notothylas ठीक है इन सब में एंथोसिरोटोप्सिडा के मेंबर्स में कोई लीफी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं बच्चों लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लीफी स्ट्रक्चर्स और फाइलोइड फॉर्म्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन द क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा लीफी एक्सिस और फाइलोइड फॉर्म्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट ना तो

एक स्ट्रक्चर बनता है स्पोरोगोनियम के कैप्सुलर रीजन में जिसका नाम है कोल्यूमेला कोल्यूमेला क्या होता है आगे के स्लाइड में मैं समझा दूंगा कोल्यूमेला जहां पर भी कोल्यूमेला बनता है जो कि के मेंबर्स में बनता है और ब्रायोपसिडा के मेंबर्स में बनता है के में, के में, ये कोल्यूमेला बनता है बच्चों असल में ठीक है, ऑप्सिडा में कहीं नजर नहीं आता है और जिस भी ब्रायोफाइट के स्पोरोगोनियम में कोल्यूमेला रहता है वहां पर जो आर्चिस्पोरियल टिश्यू का डेवलपमेंट है वो एम्पीथीशियम से होगा जैसे क्लास में एंथोसिरोल ओरिजिन होगा आर्चिस्पोरियल टिश्यू का क्लास ब्रायसीडा के मेंबर्स में आर्टिस्पोरियल टिश्यू का ओरिजिन एम्पीथीशियल होगा जबकि क्लास हेपेटिक कॉप्सिडा के मेंबर्स में इसका ओरिजिन एंडोथीशियल होगा एंडोथीशियल होगा इसका नहीं। है, ये टिश्यू का, नहींशियल व्हाई? बिकॉज इन दैट केस नो कोल्यूमेला इज़ फॉर्म्ड। ठीक है ये मैं आगे के स्लाइड में आपको ये चार पांच मिनट में समझा दूंगा ठीक है फिर हम आगे बढ़ेंगे हियर इन सच मेंबर्स why archisporial tissue is uh, uh, not archisporial sorry <coughs> columella is endothelial in origin because when the undifferentiated mass divides periclinally the inner mass which in the members of class Hypatic opsida it makes archisporial tissue here in these two classes

एलोंग विद प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द कैप्सुलर रीजन स्पेशली इनकेस ऑफ द मेंस एंथोसरो स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका ओरिजिन आपका एंड्रोथिशियल होता है बच्चों ठीक है जैसे यह मैंने एंथोसिरो से लिया है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट

जबकि एंथोसिरोस में हमको मालूम है सीटा पोर्सन कहीं बोलते नहीं है कहीं बोलते हैं कि जो इंटर कैलरी मैरिस्टम है वही सीटा का, का काम करता है ठीक है तो हमको इसमें नहीं जाना है लेकिन जो ऊपर का बॉडी है जो कि आपका कैप्सूल बनाना है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा ठीक है और दो क्लियर कट जोन एस्टेब्लिश हो जाते हैं यह है आपका एम्पीथीशियम और यह है आपका एंडोथीशियम जो एंडोथीशियम होगा ये फ्यूचर का कोल्यूमेला बनाएगा और जबकि जो एम्फीथिशियम होगा ये क्या बनाएगा अब आप बोलोगे गुरुजी क्योंकि हमको इसके अलावा क्या चाहिए आर्चिस्पोरियल मास चाहिए और और क्या चाहिए जैकेट चाहिए चतुर्वेदी साहब कपड़ा चाहिए कपड़ा ठीक है वॉल कैप्सुलर रीजन का वॉल के रूप में तो क्या होगा उस सूरत में एम्फीथियल रीजन में एक बारी फिर से पेरिकलाइनल डिवीजन होगा so the epithelial zone will divide into two sub-zones, outer epithelial zone and inner epithelial zone. this outer epithelial zone will, in future, develop into multi-layered wall of capsule, not monolayered one-cell thick. in the members of class anthocerotopsida and bryopsida both, the wall in capsular region, it becomes multi-layered.

Empithischum है, Empithischum है, है, फिर डिवाइड हुआ, आउटर लेयर वो बनाएगा आपका मल्टीलेयर्ड मल्टीलेयर्ड वॉल, वॉल हालांकि पर शो नहीं किया फर्टाइल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा आर्टिस्पोरियल टिश्यूर्टिस्पोरियल टिश्यू के बाद क्या बनेगा स्पोरोजिनस मास मास के बाद क्या बनेगा स्पोरोजिनस मास स्पोर मदर सेल्स बनाता है स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड दे प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स दिस इज इट अब अगले कैरेक्टर्स पढ़ते हैं जो स्पोरोगोनियम वाल है असल में मैंने बताया था कैप्सूल का वाल होता है बच्चों ये क्लोरोफाइलोस होते हैं इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक फूड के लिए ज्यादातर डिपेंड नहीं रहते हैं हालांकि इंडिपेंडेंट नहीं होता है स्पोरोगोनिया कोई भी का ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ये खुद बना सकते हैं कुछ के लिए ये टॉपिक रहेगा लैंड अडेप्टन का ठीक है आपके सिलेबस में उसमें यह स्टोमेटा शब्द का जरूर योगदान रहेगा बच्चों गार्ड सेल्स भी है That means the

this is a monotypic class class and is a monotypic class Enthocerotopsidae is a monotypic class why because it has been divided into only one order order zero tails and order एंथोसिरो टेल्स हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इंटू टू फैमिली फैमिली एंथो सीरो नीचे लिखूंगा टे सी एंड फैमिली नोटोथाइले सी ठीक एंथोसिरो का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हमारे पास एंथोसिरोस है और नोटोथाइलॉस का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है का नोटोथाइलॉस नोटो नोटोस दिस इज ए सो दिस इज इट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड क्लास ऑफ डिविजन ब्रायोफाइटा विच इज अटिपिक क्लास काल्ड एंथोसिरो

बर्स कॉमनली काल्ड मोसिस सबसे पहले जनरल कर लेते हैं मेंबर्स आर और जो हाँ इंपॉर्टेंट बात है जो होता है बच्चों ये टू स्टेजेस में रहता है एक होता है यंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमल स्टेज ठीक है जो स्पोर जर्मिनेट करता है उसके बाद एक, एक फिलामेंटस प्रोटोनिमा बनाता है जो कि काफी समय तक रहता है बच्चों लॉन्ग एग्जिस्टिंग होता है ये प्रोटोनिमल स्टेज और प्रोटोनिमल स्टेज को हम जुवेनाइल गेमेटोफिटिक थैलेस भी बोल सकते हैं यंग गेमेटोफिटिक थैलेस क्यों क्योंकि इसमें सेक्सुअल प्रोसेस नहीं होता है और समय आने पर इन यंग गेमेटोफिटिक थैलाई कॉल्ड प्रोटोनिमा में से हमारे एडल्ट गेमेटोफाइट्स बनते हैं एंड दीज एडल्ट गेमेटोफाइट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इरेक्ट लीफी एक्सिस कॉल्ड गेमेटोफोर्स ये फिर से खत्म हो रहा है मीटिंग ठीक है टाइम गेमिटोफोर्स बोलते हैं हालांकि जो प्रोटोनिमल स्टेज है बच्चों ये तीनों में है तीनों क्लासेस में है लेकिन हेपेटिक में ये बिल्कुल थोड़े समय के लिए रहता है बहुत कम समय के लिए रहता है हम बोल सकते हैं कि दिस ठीक है तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है सिमिलरली इन द मेंबर्स ऑफ क्लास इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड वेयर एज इन द मेंबर्स ऑफ क्लास ब्रायसीडा Protonimal stage is uh, quite prominent and it is in the form of a filamentous structure from where our adult gametophytic theli in the form of leafy axis arise. Okay. Protonema are the filamentous structures where the adult gametophyte theli are, whereas the adult gametophytic theli are in the form of erect leafy axis called gametophores. That means these are erectly growing phylloid forms. हाँ आगे का लेक्चर अगले अगले लॉट में करते हैं बच्चों ठीक है टाइम हो गया है